अब तक की कहानी में आपने सुना कि एक पर्वतारोही हिमालय के पहाड़ियों में भटककर एक गुफा में पहुंच जाता है, जहां उसे एक सिद्ध योगी के दर्शन होते हैं। उन बाबा के आशीर्वाद से उसे कई अलौकिक अनुभव प्राप्त होते हैं, जिन्हें विस्तार से सुनने के लिए आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर दे रही हूँ। फिलहाल हम कहानी पर आगे बढ़ते हैं। बाबा के कहने पर वो पर्वतारोही आंखें बंद करके गहन चिंतन में चला गया। बचपन से अभी तक की कुछ स्मृतियां मानस पटल पर उभरने लगी। वो अपने भीतर ही अनुसंधान करने लगा। वो टटोलने की कोशिश करने लगा कि बचपन से लेकर अभी तक कौन सी चीज उसमें नहीं बदली है। घंटों अंदर टटोलने के बाद सहसा उसके मन में एक बात कौन थी, अरे अपने भीतर ये टटोल कौन रहा है, बचपन से लेकर आज तक की घटनाओं को मन के पटल पर देख कौन रहा है, अरे ये मैं ही तो हूँ, मैं ही तो सारी घटनाओं का साक्षी बन के हर क्षण मौजूद हूँ, जीवन के उतार चढ़ाव को ये मैं ही देखता हूँ, ये मैं मेरे सुख का भी गवाह है और मेरे दुख का भी, जब तक मेरा शरीर जागृत रहता है यही हर क्षण मौजूद रहता है, ये बदलता नहीं, ये सब कुछ देखता रहता है किंतु इसे मैं नहीं देख पाता, यही तो अपरिवर्तनशील है, सुख और दुख जीवन के प्रत्येक घटनाओं का यही तो गवाह है, ये देखता रहता है बिना प्रभावित हुए भावनाओं या किसी अन्य गुणों के। उसका चिंतन अभी चल रहा था। कुछ देर के बाद उसकी आंखें खुली। उसने प्रसन्नता पूर्वक योगी बाबा पर दृष्टिपात किया, मानो कोई खजाना उसके हाथ लगा हो। महायोगी अभेदानंद भी ध्यान से बाहर आ गए और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे। बिना उसके कुछ बोले ही योगी बाबा ने कहा, हाँ तुम ठीक हो, ये तुम्हारे अंदर की शाश्वतता ही है जो कभी नहीं बदलती, जिसे भाषा के अभाव में अभी भी तुम मैं कह रहे हो वही कभी नहीं बदलता, किंतु यह एहसास जो तुम कर रहे हो ये बिल्कुल छोटा एहसास है, इस कड़ी को पकड़कर तुम उस विराट में प्रवेश कर सकते हो, ये एहसास तो सिर्फ समुद्र किनारे की सीपियां हैं, असली रत्नों का संसार तो आगे की यात्रा तय करने पर प्राप्त होगा। उसकी आंखें महायोगी अभेदानंद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रही थी। तभी गुफा के अंदर 12-13 वर्ष के एक तरुण ने प्रवेश किया। योगी बाबा ने उससे मुखातिब होते हुए पूछा, हाँ बटुकनाथ कहो कैसे आना हुआ। उस तरुण का नाम बटुकनाथ था। उसने कहा, कुछ नहीं प्रभु, वो आपको पूज्य गुरु स्वामी ब्रह्मानंद ने याद किया है। योगी बाबा ने कहा, हाँ वो तो महायोगी ब्रह्मानंद के मानसिक तरंगों से मुझे ये सूचना मिल चुकी थी, किंतु तुम यहाँ क्यों? प्रभु आपके चरणों की अभिलाषा भी हो रही थी, सोचा चलकर दर्शन कर लूं। बटुकनाथ के शब्द निकलते हुए उसकी आंखें गीली थीं, किंतु कुछ ही समय उपरांत मैं स्वयं योगी ब्रह्मानंद के समक्ष उपस्थित होने वाला था। देखो तुम्हें आकाश गमन विद्या सिद्ध हो चुकी है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मात्र मानसिक आनंद और जिज्ञासा वश इसका उपयोग करो। योगी बाबा ने बटुकनाथ नामक उस तरुण सन्यासी को थोड़ी कठोरता से मीठी झड़की लगाई। योगी बाबा ने उस व्यक्ति की तरफ उन्मुख होते हुए कहा, ये तरुण साधक बटुकनाथ है, 8 वर्ष की उम्र में हिमालय के जंगलों में ये मुझे मिला था, ये राह भटक कर वीरान जंगल में खो चुका था, क्रंदन करती हुई अवस्था में मैंने इसे जंगलों में पाया था, इसके माता पिता अब नहीं है, अपने जीवन के 5 वर्षों में इसने काफी साधनाएं की है, बटुक भैरव की इस पर बहुत अधिक कृपा है, इसीलिए इसका नाम बटुकनाथ रख दिया गया है, चलो अब हम चलते हैं। हिमालय का दिव्य वातावरण, चारों तरफ बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पर्वत, चारों तरफ की हवाओं में एक दिव्य सुगंध घुली हुई थी, मंद मंद बहता हुआ समीर कुल मिलाकर वातावरण को दिव्य बना रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मन कह उठे कि स्वर्ग तो यही है। बर्फ से आच्छादित एक पर्वत में स्वामी ब्रह्मानंद की गुफा, गुफा में एक आसन पर स्वामी ब्रह्मानंद विराज रहे थे। गुफा में मंद मंद प्रकाश बिखरा हुआ था, शीत या उष्णता के प्रभाव से गुफा प्रभावित नहीं थी, ना तो वहां अत्यधिक ठंड थी और ना ही अत्यधिक गर्मी। नीचे विभिन्न आसन बिछाकर 10-12 साधक बैठे हुए थे। स्वामी ब्रह्मानंद उन साधकों के साथ किसी गहन विषय पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच महायोगी अभेदानंद ने साधक सच्चिदानंद, तरुण साधक बटुकनाथ और उस व्यक्ति के साथ गुफा में प्रवेश किया। स्वामी ब्रह्मानंद और महायोगी अभेदानंद की प्रेम भरी दृष्टि आपस में टकराई, दोनों के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। दोनों ने एक दूसरे को सर झुकाकर और हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। महायोगी के साथ आए साधकों ने स्वामी ब्रह्मानंद को साष्टांग प्रणाम किया और वहां उपस्थित साधकों ने भी महायोगी अभेदानंद को साष्टांग प्रणाम किया।
स्वामी ब्रह्मानंद ने आसन से उठकर महायोगी को अपने आसन पर बगल में बैठने का अनुरोध किया। महायोगी उनके बगल में विराजमान हो गए। सभी साधकों ने भी नीचे अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लिया। स्वामी ब्रह्मानंद ने उस व्यक्ति पर मुस्कुराते हुए दृष्टिपात किया। उनके चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो वे पूर्व से उस व्यक्ति को जानते हों। महायोगी अभेदानंद स्वामी ब्रह्मानंद की ओर उन्मुख होते हुए बोल पड़े, कहिए स्वामी, कैसे याद किया? कुछ नहीं प्रभु, ये सभी तंत्र के साधक हैं और तंत्र के क्षेत्र में 10 वर्ष साधना की है। आगे तंत्र में और गहन यात्रा हेतु तंत्र के द्वारा परम ज्ञान प्राप्ति हेतु महाविद्या तारा और महाविद्या बगलामुखी की दीक्षा लेना चाहते हैं, किंतु मुझे इनकी प्रकृति समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए मैंने दीक्षित नहीं कर पा रहा हूँ। इस संबंध में मेरा मार्गदर्शन करें। महायोगी अभेदानंद ने उन साधकों पर दृष्टिपात किया और आंखें बंद करके गहन ध्यान में चले गए। स्वामी ब्रह्मानंद और वहां उपस्थित सभी साधक, यहां तक कि वो व्यक्ति भी ध्यान की मुद्रा में आ गया और ध्यान करने लगी। जो ध्यान में सिद्धस्थ हो उनके निकट बैठकर ध्यान का मात्र अभिनय भी अगर कोई करे तो वो सहज ही बिना प्रयास के ध्यान करने लगता है। बस ध्यान की इच्छा होनी चाहिए। घंटों ध्यान के उपरांत महायोगी अभेदानंद ने अपनी आंखें खोली। उनके साथ ध्यान कर रहे साधकों का भी स्वतः आंखें खुल गई। अगर आप किसी के सानिध्य में ध्यान कर रहे हो तो ऐसा होता है जिसके सानिध्य में आप ध्यान कर रहे हैं, अगर वो ध्यान से बाहर आ जाते हैं तब उसी समय आप भी ध्यान से बाहर आ जाते हैं। आगे महायोगी ने फिर से उन साधकों का निरीक्षण किया और उनमें से 3 साधकों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये 3 आगे गति नहीं कर पाएंगे, इनके कर्म कटने अभी बाकी हैं, इन्हें और साधना की आवश्यकता है, ये 3 अभी दीक्षा के काबिल नहीं हुए हैं। जी महाराज जी, इन 3 में से 1 की प्रकृति तो मुझे पकड़ में आ रही थी, किंतु उन दोनों के बारे में आश्वस्त नहीं था। ध्यान में इनकी सूक्ष्म प्रकृति अयोग्यता के संकेत अवश्य दे रही थी, किंतु मैं थोड़ा अस्पष्ट था, इसीलिए आपको कष्ट दिया। स्वामी ब्रह्मानंद कह उठे। कुछ समय के उपरांत स्वामी ब्रह्मानंद के द्वारा महायोगी अभेदानंद के समक्ष शेष 9 साधकों को दीक्षित किया गया, जिनमें से 5 को बगलामुखी महाविद्या की दीक्षा दी गई और शेष 4 को महाविद्या तारा की। दीक्षांत समारोह समाप्त हुआ। महायोगी अभेदानंद ने बोलना प्रारंभ किया, तंत्र कल्याण का विज्ञान है, स्व कल्याण का। तंत्र के माध्यम से योगी विभिन्न बीज मंत्रों के द्वारा कुल कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से उठाकर सहस्त्रार तक ले जाते हैं और फिर सहस्त्रार से पुनः मूलाधार पर ले आते हैं। तंत्र में पंच मकार सेवन का विधान है। ये पंच मकार हैं मांस, मद, नीन, मुद्रा और मैथुन। वहां उपस्थित सभी साधक बहुत ही तल्लीनता से योगी बाबा की बातें सुनते हुए किसी दूसरे ही लोक में खो गए थे, ऐसी ओजस्विता थी उनकी वाणी में। आगे महायोगी ने रुद्रामल तंत्र का एक श्लोक सुनाया, फिर इसके बाद उसका अर्थ उन्होंने इस प्रकार से बताया, जीवा मूल या तालु मूल में जीवान को सम्यकृत करके ब्रह्मरंध्र से झड़ते हुए आज्ञा चक्र के चंद्रमंडल से होकर प्रवाहमान अमृत धारा को पान करने वाला मत साधक कहा जाता है। जीवान को तालु में लगाना ही खेचरी मुद्रा कहलाता है, किंतु साधक बिना किसी योग्य गुरु के इस अभ्यास को न करे, क्योंकि अमृत के साथ विष का भी स्त्राव उसी स्थान से होता है, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यह वास्तविक मदपान कहलाता है। एक साधक ने पूछा, आजकल के साधक जो बाहरी मदरा पान करते हैं, क्या ये उचित है प्रभु? महायोगी ने कहना प्रारंभ किया, बाहरी मदरा पान का भी एक साधक के दृष्टिकोण से महत्व है। कुंडलिनी शक्ति के ऊर्ध्वगमन होने पर भारी मात्रा में ऊर्जा का बहाव शरीर में होता है, जो कभी कभी सच्चे साधकों के लिए असहनीय हो जाता है। इसे ऊर्जा के वेग का प्रभाव कम महसूस हो, इसीलिए मदरा के माध्यम से मस्तिष्क को शिथिल करने के लिए यदा कदा उच्च किस्म के साधकों को मदिरा पान करना पड़ता है, लेकिन स्मरण रहे कि भोग के लिए मदिरा पान करना पाप है, औषध रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। योगी बाबा के द्वारा ज्ञान की वर्षा जारी है। आज की कहानी में बस इतना ही, आगे की कहानी हम अगले भाग में जानेंगे। आपको ये कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।